आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि गोला से भाजपा विधायक हैं श्री अरविंद गिरी जी, इनका कल अचानक से निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। तो इनकी आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिख देना। आंगनबाड़ी बहन है सीता जो कि सीतापुर जिले से आती है, उन्होंने जानकारी भेजी, और रमा देवी बहन है जो लखीमपुर खीरी जिले से आती है, उन्होंने भी जानकारी भेजी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक अचानक से दुखद समाचार आया है। वहीं पर चलते हैं आगे और आपको आपकी जानकारियां बताते हैं। आज के वीडियो में बहुत सी जानकारी लगी है, तो वीडियो को सभी बहनें पूरा जरूर देख लेना। ये देखिएगा, यहां पर एक थीम है जिसको लालमणि बहन है चंदौली जिले से आती हैं, उन्होंने भेजा है। ये देखो यहां पर है कि मेरी पोषण कहानी। अब एक ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची बनी हुई है जिसे आप यहां पर देख रहे हैं, और सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण, इस तरह से नीचे एक जो है स्लोगन लिखा हुआ है। और यहां पर देखिए वो बच्ची क्या कहना चाहती है, तो बच्ची कहना चाहती है कि मुझे खिलाया जाता है, यानी खाने पीने वाला वो खिलाया जाता है। तो इसमें लिखा है कि रोजाना स्तनपान के साथ तरह तरह का मसाला, यानी मसाला और जो है यहां पर गाढ़ा ऊपरी आहार। तो ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक, या ज्यादा लिखा होगा, तो इस तरह से मसला हुआ खाना, क्योंकि वो उसको निगलने में आसानी हो जाएगी, छोटा बच्चा है। अब पौष्टिकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त जो नमक, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर IFA सीरप हफ्ते में 2 बार ये बच्चा कह रहा मुझको मिलती है। पेट के कीड़े से बचने के लिए एल्बेंडाजोल की निर्धारित खुराक साल में 2 बार, इस तरीके से वैसे ये लिखा गया है जागरूकता के लिए। बाकी ये बच्चा थोड़ी बोलेगा कि हमको ये मिलता है हमको वो मिलता है। तो यहाँ पर इसको ये खिलाया जाता है और इसको पिलाया क्या जाता है, शुद्ध और यहां पर ढका हुआ पानी। तो पानी सभी लोग ध्यान दें, केवल बच्चा ही नहीं, सभी लोग पानी स्वच्छ पिए, ढककर के पिए, गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं। अगर नल में खराब आ रहा है तो उसको आप उबाल करके पिए, ठीक। अब यहां पर कई बार पानी की जो है वहां पर लवणता चेक करने के लिए भी आते रहते हैं और विभाग द्वारा बोला जाता है, तो उसको चेक करवा ले सही है पानी या सही रहे हो, तब भी आप उबाल करके ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि 12 महीने आप उबाल करके लें, वो भी नुकसानदायक है। लिमिट में चीजों को करें। सुबह मान लीजिएगा खाना खाने से पहले या सुबह उठे हैं तब आराम से आप एक गिलास हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, ये आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखो करवाया जाता है मेरा, अब यहाँ पे क्या है, सूची के अनुसार नियमित टीकाकरण का करवाया जाता है, शारीरिक वृद्धि और बौद्धिक विकास की नियमित निगरानी और यहाँ पर देखरेख की जाती है। अपना जाता है मेरे लिए, अब क्या अपनाया जाता है, साबुन और पानी से हाथ धोने की जो है यहां पर ये आदत लिखा हुआ है। खाना बनाने और खिलाने से पहले मेरा शौच करने जो है वो सब करने के बाद भी, तो यहां पर अपनाया जाता है हाथ धोने वाला पूरा सिस्टम। शौच का निपटान हमेशा शौचालय में, इस तरीके से ये यहां पर बताया जा रहा है। तो इससे ये कुछ चीजें हैं जो मेरी पोषण कहानी को लेकर के ये यहां पर एक थीम आई है। वहीं पर चलते हैं आगे, निर्मला बहन है जो वाराणसी से आती हैं, उनके वहां पर एक ये उनको नोटिस दिया गया है, ऐसे ही वहां पर बहनों को भेजा गया। आइए देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है कि अभिनव पहल का जायजा लेने के लिए जो टीम आ रही है वह 7, 8 और 9 जुलाई यहां पर रहेगी। अब जुलाई तो भैया हो गया, सितंबर जनपद में रहेगी, लिखा है 9 जुलाई रहेगी, सितंबर जनपद में रहेगी। बताओ जिन्होंने लिखा होगा मैसेज, उन्होंने सेंटेंस पर फोकस नहीं किया, लेकिन आप समझिएगा कि सितंबर में इसके निरीक्षण के बारे में बात हो रही है। निरीक्षण के लिए कृपया तैयारियां ये कर लें। आइए तैयारियों पर फोकस करते हैं। प्रत्येक केंद्र पर सप्लीमेंट के डोज की जानकारी एक पेज पर प्रिंट होनी चाहिए। अभिनव पहल का सप्लीमेंट खिलाने वाले रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए। वजन रजिस्टर में बच्चों का वजन प्रत्येक माह भरा होना चाहिए, और परियोजना कार्यालय पर आयरन फोलिक एसिड मल्टीविटामिन वितरण का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। प्रथम फेज अक्टूबर जनवरी, इसमें जिस ब्लॉक में जिन लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम संचालित था उनका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, उनका वजन वही होना चाहिए जो आपने एक्सेल सीट में भर करके उपलब्ध कराया था। तो इस तरीके से कुछ जानकारी है, लेकिन यहां पर इसमें मैंने फिर कहा कि 8-9 जुलाई लिखे हैं, सितंबर लिखे हैं, लेकिन यहां पर ये सही नहीं लिख पाए हैं। आगे चलते हैं, रानी रावत बहने बाराबंकी से आती हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई सुपरवाइजर की तैयारी करवाएं और एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो एडमिट कार्ड अभी पता नहीं चलते हैं, एग्जाम के 10-15 दिन पहले ही निकलते हैं, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन लेवल का 10-15 दिन के पहले ही एडमिट कार्ड मिलते हैं, तो वैसे में ध्यान देना है। और अभी तो एग्जाम की आपकी डेट भी नहीं आई, ठीक, आपका जो पेट का एग्जाम है वो आपका जो है 15-16 अक्टूबर में जो है कराया जाएगा, यानी अगले महीने। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब वो आपका 15-16 अक्टूबर में होगा
तो वो अक्टूबर से पहले तो आपका सुपरवाइजर का होने से रहा, ठीक, क्योंकि पेट के लिए विज्ञापन संख्या 03 थी और आपके इसके लिए जो शायद 05 थी, ठीक। अब ये आपका है तो ये इसके बाद ही होने की संभावनाएं हैं, और वैसे भी इसकी भी डेट नहीं आई, तो जब डेट आ जाए उसके बाद आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद एग्जाम सेंटर हो गया, वो सब एडमिट कार्ड में, और एडमिट कार्ड परीक्षा के जो है 10-15 दिन पहले ही निकलते हैं। अब देखो यहां पर उन्होंने कहा कि भैया जी वीडियो जरूर जो है दिखा देना पर डे, अगर सुपरवाइजर में मेरा सिलेक्शन होता है तो ये क्रेडिट भी आपको जाएगा। तो देखो आप सब मेहनत करते रहें, जो भी सिलेबस था पाठ्यक्रम वो तो मैंने बता दिया है, बाकी वीडियो लेकर के आते रहेंगे थोड़े थोड़े करके, तब ताकि आप उनको देख पाएं और कुछ है चीजें जो सीख पाएं, क्योंकि इसके लिए देखो कोई अलग से बुक वुक नहीं आ रही है मुख्य सेविका के लिए, ठीक। मैंने एक मंगाई भी है लेकिन उसमें वो सिलेबस ही नहीं है जो आपका आयोग ने इस बार दिया है, तो वो पाठ्यक्रम वाले चैप्टर ही उसमें नहीं है, यानी वो मटेरियल ही नहीं है जहां से परीक्षा में पूछा जाएगा, जो कि वो आपका पाठ्यक्रम डिसाइड हुआ है, ठीक। तो अब मार्केट पर डिपेंड मत रहिए कि फला किताबें देख ली ऑनलाइन और उसको पर बस ऊपर छपा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका नवीन पाठ्यक्रम बस लिख देते हैं और उसके अंदर सब कूड़ा कचड़ा भरा हुआ है, वो आपके काम का नहीं है, वो आपके काम का नहीं है। तो इसीलिए मेरी सलाह यही कि आप जो किताबों के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। तो हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम उस बुक के बारे में भी दिखाएंगे कि उसमें क्या है जो आपके काम का ही नहीं है, और मैंने उसमें पैसे भी बर्बाद किए, मैंने मंगवाया भी है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ताकि आप लोग ना ऐसा काम करें। हम वीडियो लाते रहेंगे, आप उनसे जो है वहां पर देखते रहना और सीखते रहना, क्योंकि वो अलग से हम अपना मटेरियल पूरा ढूंढ ढूंढ करके इकट्ठा करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है लिखा हुआ है कि एक ये बहन है, सर मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मध्य प्रदेश के धार जिले से हूं और बगहा, शायद इनके वहां पर बगहा परियोजना है, तो इनका कहना है कि हमारे यहां पर आधा ही मानदेय डल रहा है, राज्य सरकार से डल रहा है और 4 मंथ से जो है केंद्र सरकार का नहीं आ रहा है। तो सर हम आपका न्यूज डेली देखते हैं, तो यूट्यूब पर भी रोज वगैरह देखते हैं, तो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मानदेय नहीं डल रहा है। तो आप सब बहनों को चाहिए कि अपने वहां जो जिले के आपके डीपीओ है उनको आप सब बहने क्या करें, लिखित में आवेदन एक दे दें, एप्लीकेशन दे दें कि हमारा इतने महीने से केंद्र का मानदेय आखिर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि साजापुर जिले में तो आ रहा, तो फिर मध्य प्रदेश में उस जिले में क्यों नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं जिले से ये प्रॉब्लम होगी, जो भी होगी आपको बताया जाएगा और उसका निपटारा भी हो पाएगा। तो बैठिए मत, अपने इस समस्या के लिए जो है अपने जिले में डीपीओ के पास जाइए और उनको इसके बारे में अवगत कराइए, 4-4 महीने बहुत होते हैं। अब देखो यहां पर अंचल कार्यालय जो मेराल पड़ता है झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में, वहां से कुछ बहने हैं जिन्होंने अपने वहां से कुछ ये फोटो भेजी है, भेजने वाले ने फिलहाल तो हमें अपना नाम वाम तो बताया नहीं है, लेकिन हम आपको इनके समस्या बताना चाहेंगे। इन्होंने क्या लिखा, बाल विकास परियोजना जो मेराल गढ़वा के हैं, उन्होंने लिखा कि आंगनबाड़ी केंद्र में खिचड़ी सामग्री एवं गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के संबंध में लिखा है, निवेदन पूर्वक कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में खिचड़ी एवं नाश्ता बनाने के लिए आदेश जो परियोजना द्वारा दिया गया है, जबकि पूर्व पोषाहार बकाया राशि नहीं मिला है, इसीलिए अब हम लोग सभी सेविका उधार लेकर खिचड़ी बनाने में असमर्थ हैं तथा मानदेय भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहा। बताओ ये कितना बड़ा शोषण है कि जो है गवर्नमेंट पैसा ऊपर से विभाग दे नहीं रहा है और कह रहा है कि नीचे आप अपनी जेब से बना करके खिलाओ, वो भी ऐसे कर्मचारियों से जिनका ढंग का मानदेय तक नहीं है। अब 5-6-7 हजार मानदेय पाने वाले क्या अपनी जेब से खाना खिचड़ी सब बना करके बच्चों को खिलाएंगे, कहां से पैसा लाएंगे, अब सोचिए। तो ये गलत है और ये घोर जो यहां पर शोषण है सरकार और विभाग की तरफ से झारखंड में। अब लिखा है कि श्रीमान से प्रार्थना है कि पूर्व की बकाया राशि उपलब्ध कराएं। बताओ पहले का पैसा ही नहीं दिया, बच्चों को बना करके बहनों ने खिला दिया लेकिन गवर्नमेंट ने उसका पैसा का भुगतान नहीं किया, तो ये गलत है, क्योंकि ये जब लेटर निकला ही था तभी विरोध करने चाहिए थे, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। अब उन लोगों को आदत पड़ गई है कि आप अपनी जेब से खर्च करो और फिर वो आपको बाद में पैसा दें, और फिर पैसा ऐसे ही वो देंगे, बकाया आपका अभी भी बाकी है, उन्होंने दिया ही नहीं। अब देखो, खिचड़ी नाश्ता का सामग्री तथा गैस सिलेंडर केंद्र पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि केंद्रों का संचालन नियमित रूप से किया जाए, इस कृपा में श्रीमान जो है सदा आभारी रहूंगी। तो इसमें बहुत सी बहनें हैं जो है यहाँ पर विभा, शीला, रीता, उषा, बहुत सी बहनों के नाम लिखे हुए, मैं आपको एक झलक में दिखाना चाहूंगा, ये कुछ 25 बहनों के नाम इस साइड में दिख रहे हैं और टोटल 41 बहनें हैं बाकी इस पेज पर है। तो 41 बहनों ने वहां पर जाकर के अपना ज्ञापन सौंपा है, तो आप यहां पर देख भी सकते हो, ये जिला गढ़वा है झारखंड में, मेराल इनका जो है कार्यालय पर ये बहनों का कुछ वहां प्रदर्शन देखने को मिला है, जो कि बहुत ही ये बेकार का मुझे लगता है कि शोषण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये दीपा गुप्ता हैं जो कि संभल से बहन आती हैं और उन्होंने अपने वहां से ज्ञापन सौंपा है जिसके बारे में उन्होंने अपने वहां से कुछ ये फोटो भेजी है। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। तो आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से 6/9/2022 का ये लेटर है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं इस लेटर पर। लिखा है,
सेवा में बाल विकास परियोजना अधिकारी महोदय असमोली जो संबल जिले के हैं। अब पोषाहार टोकन के विषय में उन्होंने एक ये लेटर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है आंगनबाड़ी वर्कर को विभाग के द्वारा पोषाहार वितरण से एक दिन पहले टोकन आंगनबाड़ी केंद्र पर मुहैया कराए जाने जो है थे। टोकन आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचने के बाद ही पोषाहार वितरण किया जाएगा। यदि केंद्रों पर टोकन प्राप्त नहीं कराया गया तब डीलर द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार राशन डीलर या ICDS विभाग स्वयं अपने आप वितरण करे। इसकी जिम्मेदारी किसी भी आंगनबाड़ी वर्कर की नहीं होगी। इसके बाद आंगनबाड़ी वही राशन वितरण करेंगी जो समूह द्वारा प्राप्त किया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा CDPO असमोली द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी संबल को अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी केंद्र से दूसरे ग्राम में रह रहे राशन डीलरों से 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है 500 ग्राम चावल जो है लेने दूसरे गांव से जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र पर चावल उपलब्ध कराया जाए। इसकी समस्त जिम्मेदारी ICDS जिला प्रशासन जो है स्वयं पूर्ण करे। तो देख रहे हैं यहां पर मानकों की अनदेखी हो रही है, तो इसीलिए बहनों ने वहां पर प्रदर्शन किया है और अपना ज्ञापन सौंपा है। सबसे बड़ी एक मुसीबत की जो जड़ है वो राशन वितरण ही है। अब इन राशन और इन खान पान के चक्कर में जगह जगह बहनों का शोषण हो रहा। यूपी में कुछ इस तरीके से हो रहा, झारखंड में आपने अभी देखा किस तरीके से खिचड़ी और नाश्ता के लिए बहनों के ही पैसे वहां पर खर्च कराए जा रहे हैं और बाद में उनका पिछला ही बकाया का भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया। तो देखो कितना कहां कहां शोषण इन चीजों को लेकर के बना है। बीना बहने बाराबंकी से आती है, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी थी। अभी चलते हैं आगे, थोड़ी और भी बहने हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो बीना बहन के बाद में एक ये हैं मधु जो कि फतेहपुर से आती हैं, और एक ये बहन है मुन्नी जो शाहजहांपुर से आती हैं, और ये हैं अनीता जो सीतापुर से आती हैं, ये हैं शिवरानी जो अलीगढ़ से आती हैं, और ये हैं सुनीता जो आगरा से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं उमा श्रीवास्तव जो सीतापुर से आती हैं, और एक ये हैं उषा जो बलिया से आती हैं, ये हैं सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं, ये हैं सरला रानी बिजनौर से आती हैं, और ये कौशल्या आजमगढ़ से आती हैं, इनके अलावा उषा देवी हमीरपुर से आती हैं, और ये हैं जिनका नाम है सुमन देवी फतेहपुर से आती हैं, और लास्ट में ये हैं निर्मला जो वाराणसी से आती हैं। तो अभी कुछ रह गए हैं जिनको अगले वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में काफी कुछ आप लोगों को पता चला कहां कहां किस लेवल पर बहनों का शोषण हो रहा है। अल्प मानदेय में खिचड़ी नाश्ता बहनों के पैसों से गवर्नमेंट बनवा रही है, अब यह भी एक तरह का शोषण है। लेकिन इसी बीच एक बढ़िया सी खबर आ रही है, सदन में एक मुख्यमंत्री जी जोर जोर से गरजे हैं, अभी उनको लेकर के एक छोटा सा वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर अभी जल्द ही आ जाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे और सुनेंगे कि वहां के मुख्यमंत्री सदन में दहाड़ रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों आपकी समस्याओं को लेकर के, पारा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के। तो आइए उसको हम लोग भी सुनते हैं। तो हमारे सुधांशु पटेल चैनल से भी आप जुड़ जाएं, वहां पर भी जानकारियां आती हैं। अगर आप उस चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक आप चाहते हैं, तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल व्हाट्सएप की तरफ से आपको एक ऑटो मैसेज जनरेट होकर के चला जाएगा, उसमें लिंक आपको सभी हमारे चैनलों की दे दी जाएंगी, आप आसानी से उनसे जुड़ सकती हैं, और जब भी वहां पर वीडियो आएगा तो आपके फोन में आ जाएगा जब आप YouTube खोलेंगे। तो अगर आप बेल भी दबा लेंगे आल पर तो और अच्छा रहता है, तभी नोटिफिकेशन फोन में आती है। तो इस तरीके से आपको जो है अपने चैनल से सभी से जुड़े रहना है और सभी जानकारियां इधर उधर जो आती हैं। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।